तो फ्रेंड्स, अगर आपका इंग्लिश में हार्ड टाइट है, आप लोग इंग्लिश में बात नहीं कर पाते, आप लोग इंग्लिश पढ़ नहीं पाते, या फिर आप लोग इंग्लिश लिख नहीं पाते, आपके सामने कोई भी इंग्लिश में फॉर्म आ जाता है, कोई आपसे इंग्लिश पे व्हाट्सएप पे चैट करने लग जाए, इस पे आप बिल्कुल भी उसका आंसर नहीं दे पाते, तो मैं इस चीज का सोल्यूशन लेके आ चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसी पावरफुल ऐप के बारे में बताना चाह रहा हूँ आपको, जो कि गूगल की ही बनाई हुई है, ठीक है। गूगल ट्रांसलेट इस एप्लीकेशन का नाम है, आप लोगों को शायद पता ही होगा, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूंगा किस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन को यूज करना है। चलिए दोस्तों, मेरे मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले गाइस, आप मेरे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके हेल्पफुल और यूजफुल कंटेंट आप लोगों के लिए जब भी लेकर आऊं, आप लोगों के पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करें। ओके फ्रेंड्स, तो आगे मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर मैं यहाँ पे सिंपली सा गूगल ट्रांसलेट को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। इस एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पर जाके आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको कितने ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, आप यहाँ पे जो भी टेक्स्ट को यहाँ पे फाइंड करेंगे, जैसे अगर मैं इंग्लिश में यहाँ पे टेक्स्ट लिखूंगा तो मुझे यहाँ पे हिंदी में ट्रांसलेट होकर वो सामने दिखाई देगा, ठीक है। और अगर मैं इसको जो ओरिएशन आप देख रहे हैं, अगर यहाँ पे जो फर्स्ट वाला होता है, यहाँ पे जिस भी लैंग्वेजेस को हम ट्रांसलेट करना चाहते हैं वो हम हमेशा फर्स्ट वाले पे ही करेंगे। जैसे अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ तो मुझे वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर मिलेगा, ठीक है। तो मैं इसको इधर कर देता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश का ट्रांसलेट चाहिए हिंदी। दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे निकल के आता है गाइस, वो यहाँ पे कन्वर्सेशन का ऑप्शन निकल के आता है। इस ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपको हिंदी आती है और आपके सामने वाले व्यक्ति को इंग्लिश आती है, तो इस एप्लीकेशन के द्वारा, इस फीचर के द्वारा, इस एप्लीकेशन में आप उस बंदे से इंग्लिश में बात कर सकते हो। मैं अभी आपको सब पॉइंट टू पॉइंट सिखाऊंगा किस तरीके से आपको उससे इंग्लिश में बात करनी है, ठीक है। और ये जो फीचर निकल के आता है गाइस, यहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड का आता है। जैसे कई लोगों को लिखना नहीं आता तो वो यहाँ पे जैसे हिंदी बोलेंगे तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर दिखाई देगा, ठीक है। और आपको यहाँ पे व्हाट्सअप वगैरह से किस तरीके से चैट करनी है इंग्लिश में, ठीक है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा अभी। और सबसे बेस्ट फीचर जो मुझे इस एप्लीकेशन का लगता है गाइस, वो ये लगता है कैमरा का, ठीक है। इस फीचर को, कैमरे को ओपन करके आप जिस भी ट्रांसलेट या लैंग्वेजेस के ऊपर आप अपना वहाँ पे दिखाएंगे कैमरे को, तो आपको ये हिंदी में ट्रांसलेट करके या इंग्लिश में ट्रांसलेट करके या कोई सी भी लैंग्वेजेस में आप ट्रांसलेट करके वहाँ से देख सकते हो, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको सबको सिखा देता हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिख के दिखा देता हूँ। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंग्लिश में, आई एम इथन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आई एम इथन लिखा, तो ये देखिए हिंदी में ट्रांसलेट होकर निकल के आ गया गाइस कि मैं इथन हूँ, ठीक है। और मैं चाहूँ तो यहाँ से इसकी लैंग्वेजेस चूज भी कर सकता हूँ। जैसे हिंदी में है तो मैं इसको किसी और भाषा में देखना चाहूँगा, जैसे मैं उर्दू में देखना चाहता हूँ, तो आप ये देखिए यहाँ पे उर्दू में भी ये लिखा हुआ आ गया, मैं इथन हूँ, ठीक है। ये मैं इथन हूँ, आई एम इथन, मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस एप्लीकेशन को अपने काम में ले सकते हो, ठीक है। ये मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पर सिखा रहा हूँ। चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट फीचर सिखा देता हूँ इसका, ठीक है। तो नेक्स्ट फीचर जो गाइस मेरा यहाँ पे निकल के आता है, ये ऑडियो का आता है। मैं आपको यहाँ पे ऑडियो बोल के दिखाता हूँ किस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। जैसे हिंदी है तो मैं यहाँ पे इसको ट्रांसलेट को हम यहाँ पे चेंज करेंगे क्योंकि हमें हिंदी लैंग्वेज आती है, ठीक है। यहाँ से हम ट्रांसलेट को चेंज करने के बाद में हम यहाँ पे ऑडियो बोलेंगे, मेरा नाम गुरमीत है, आप कौन सी जगह से रहते हैं? ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसने मुझे कितना क्लियरली यहाँ पे जो मैंने इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके लिया, इसने मुझे इंग्लिश में एकदम साफ साफ यहाँ पे बता दिया कि माय नेम इज गुरमीत, यू लाइव फ्रॉम, ठीक है। और आप चाहो तो इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे हिंदी में बोलेंगे तो आप यहाँ से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके, आपको ये वाला आइकन जो दिखाई दे रहा होगा, आप यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट करके, ये सीधा कॉपी का ही ऑप्शन होता है, और आप यहाँ पे सिंपली से व्हाट्सअप पे किसी से भी चैट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखिए मैं यहाँ से इसको पेस्ट करके भेज देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे अपने व्हाट्सअप से इसको इंग्लिश में भी यूज कर सकते हो। तो आपको मैंने तीन ऑप्शन समझा दिए आपको किस तरीके से व्हाट्सएप पे चैट करनी है, और मैंने आपको टेक्स्ट का भी समझा दिया और ऑडियो का भी समझा दिया। लेकिन अब हमारा जो ऑप्शन निकल के आता है वो आता है कन्वर्सेशन का, कि जो हमें दो बंदे अगर अलग अलग लैंग्वेजेस के हैं तो आपस में बात किस तरीके से करेंगे, ठीक। तो मैं ये कन्वर्सेशन का ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो अब जो ऑप्शन मेरा निकल के आता है वो आता है कन्वर्सेशंस का, कि दो लैंग्वेजेस के बंदे आपस में किस तरीके से यहाँ पर बात करेंगे। तो इस ऑप्शन पे आपको सिंपली सा टैप करना है, आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस दिखाई देंगे, एक इंग्लिश और एक हिंदी, क्योंकि हिंदी में आती है तो हम हिंदी में बात करेंगे इंग्लिश वाले बंदे से, ठीक है। मेरा नाम गुरमीत है, आपका नाम क्या है? माय नेम इज गुरमीत, व्हाट इज योर नेम? तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंग्लिश में भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश वाले ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इंग्लिश वाला बंदा यहाँ पे इस बटन को दबाएगा और इंग्लिश में अपना बोलना शुरू करेगा, माय नेम इज मुकेश, मेरा नाम मुकेश है। देखिए फ्रेंड्स, आपने किस तरीके से इसने मुझे इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ लेके चलता हूँ। ओके फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट ऑप्शन मेरा निकल के आता है वो आता है कैमरे का, ठीक है। मैंने यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ कैमरा ओपन करके, ठीक है।
मैं यहाँ पे इंग्लिश में कर देता हूँ। एक मैंने यहाँ पे हिंदी की बुक रखी हुई है और एक मैंने यहाँ पे इंग्लिश की बुक कर रखी है, ठीक है। तो आपको अपना कैमरा ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं इंग्लिश पे करूँगा तो आप देख सकते हैं इंग्लिश का मुझे कितना क्लियर यहाँ पे इसने मुझे हिंदी का ट्रांसलेट करके दिखा दिया है, ठीक है। और मैं आपको एक देख सकते हैं आप यहाँ पे एक इंग्लिश की बुक मैंने रखी, हिंदी की इंग्लिश की रखी हुई है, इंग्लिश में ट्रांसलेट आपको मैंने दिखा दिया किस तरीके से मुझे इसने हिंदी में करके दिखाया। और मैं अब आप ये देखिए, अब मैं हिंदी की बुक पर आ चुका हूँ गाइस। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले ऑप्शन को यहाँ पे इंग्लिश हिंदी टू इंग्लिश कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा गाइस। जो लास्ट वाला ऑप्शन था कि हिंदी में इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, वहां पे थोड़ी नेटवर्क इशू आ गया था, लेकिन मैंने आपको जो कैमरा का ऑप्शन दिखाया आप सेम उसको वैसे ही हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे जैसे ही, तो आपको वो इंग्लिश में करके दे देगा, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियो अगर आपको और ज्यादा चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह की हेल्पफुल और यूजफुल टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आप फिर भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आपको लोगों को इंग्लिश में इंटरेस्टेड है, तो इंग्लिश सीखने के लिए भी एक एप्लीकेशन है, उसका आई बटन पे आपको ऊपर शो हो रहा होगा, या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। वहां से आप जाके प्रॉपर इंग्लिश भी सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मैं मिलूंगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।